ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? अबे गला पकड़ रहा बहुत जोर से। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह, और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। ऑल राइट, तो हे वेलकम बैक टू चैनल गाइस, कैसे हो आप सब? और बड़े दिनों के बाद फिर से आया एक न्यू ब्लॉग के साथ, और एक और बार हमारे चीकू भैया है हमारे साथ। चीकू भैया 12 नंबर खा के अभी तक पछा है आपको? जी बिल्कुल, 12 नंबर अभी तक भी याद है, और आज 12 नंबर खाने के बाद इतने एक्साइटेड है कि आज फिर वापस भाई आज फिर से एक्साइटेड हो रहा है। और हम लोग का होने वाला है आज कॉम्पिटिशन, और आप आगे देख ही लीजिए क्या होने वाला है। ये है मिस्टर भील भंडारी शॉप, जिनकी भाई शॉप छोटी है लेकिन कमाल माल बहुत धमाल है। तो हम लोग सीधा चलते हैं अंदर की ओर। तो ये हमारे भंडारी जी, नमस्कार भैया जी, कैसे हैं आप? सभी का एकदम बढ़िया भैया। तो आज क्या खिलाने वाले हैं आप हमको? आज आपके लिए बनाने वाले हैं भाई साहब हम 440 वोल्ट भेल का झटका। ओ भैया, 440 वोल्ट का सीधा झटका? जी बिल्कुल भैया, ये ब्लॉगर्स के लिए कंपलसरी इंडिया में, कि अगर आप ब्लॉगर हैं और फूड ब्लॉगर हैं तो आपको जरूर है कि 440 वोल्ट भेल खाना ही पड़ेगी। तो चीकू रेडी है? बिल्कुल रेडी है, 12 नंबर खाने के बाद ये के बाद 440 वोल्ट का झटका बिल्कुल झेल सकते हैं भाई। और देख ले भाई, ही होने वाली है। हाँ बिल्कुल, यही हालत होती है। 440 वोल्ट का है, आपके धुआं वगैरह पूरा निकलेगा। ये वाकई ऐसी ही हालत होती है। और भाई एक और चीज देख लो, अगर भाई जो पैसे वाला है वही कर सकता है, 2 करोड़ रुपए सीधा सीधा लग रहा है जुर्माना अगर आपने कचड़ा इधर उधर फेंका तो। जी भैया हमारी क्लीनेस्ट सिटी फेंकना जाएगा क्या? इंदौर है तो इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी बनाए रखना है, और इसमें अगर कोई भी गुस्ताखी करता है कचरा यहाँ वहाँ फेंकता है 2 करोड़ से कम नहीं लेंगे, नगर पालिका निगम लॉस वेगास भी इसमें आ जाती है। तो भैया 2 करोड़ रुपए हो अगर आपके पास तो आप तो ही ये गलती कीजिए। हाँ, बाकी नहीं तो आप शहर को हमारे स्वच्छ रखिए। तो आप शहर को स्वच्छ रखिए, नहीं तो भाई अलग ही लेवल पर। तो भैया ने भी हम लोग को बताया है कि अगर आप 440 वोल्ट ट्राई करना चाहते हो तो आपको उसके पहले ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा पूरा, और इसमें जो जो कंडीशन लिखी हैं अगर वो उनको सारे को टिक करना पड़ेगा। तो चीकू रेडी है? जी बिल्कुल। तो भैया चीकू का होने वाला है सबसे पहला। तो चीकू, चीकू ने अभी फॉर्म भर दिया है पूरा, और भैया हमारे रेडी हैं भेल बनाने के लिए। जी बिल्कुल। तो भैया सबसे पहले आ रही कलकत्ता पान, ये मालवी पान, और ये हमारा इंडियन रस भरा पान, और ये बनारसी पत्ता। ये सारे पान डल गए इसमें एकदम मीठे मीठे। नहीं हो रही चीकू तेरी, देख के मीठे मीठे पान डाले भाई साहब, पान डाले मीठे मीठे पान है ये। ये अखरोट आ गए भैया, जापान के अखरोट है इसलिए थोड़े चपटे, जैसे चपटे लोग होते हैं वहाँ के, तो उसके ऊपर कश्मीर की बूंदी आ गई है। उसके ऊपर ये बादाम लच्छा आ गया है, और उसके ऊपर ये कलकत्ता की काजू आ गई है। उसके साथ आ रही भैया काबुल की प्याज, और उसके ऊपर आ रही हिमाचल के लड्डू, उसके साथ यूरेनस नेपच्यून प्लूटो की घास आ रही है, साथ में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन है आपका खून बढ़ाने के लिए, और ये थोड़ी सी आपकी नशीली पत्तियाँ, उसके साथ में चंद्रमा की ककड़ी, और उसके बाद हमारे मंगल ग्रह के टमाटर, ठीक है। और इसके ऊपर आ रहा भैया अफगानिस्तान का मसाला ओरिजिनल वाला। अरे पूरे वर्ल्ड का साहब, ब्रह्मांड का, सारी गैलेक्सी का। ये ओरिजिनल सैनिटाइजर डल गया, और ये हमारा अनंत कोटि प्रेम इसमें हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। अभी ये भेल खट्टी मीठी बनी है। हाँ, अब इसमें बराक ओबामा जी वाला फ्लोरिडा का मसाला आ रहा है भैया, जिसको पूरा इंडिया और वर्ल्ड घूमना हो तो भैया के पास आके भेल खाना, तो पूरा इंडिया और वर्ल्ड पूरा घूम जाएगा। दो चम्मच दिख जाएगा, पूरा यहीं पे घर बैठे दिख जाएगा, यहीं पर टॉप पर। दो चम्मच भेल खाएंगे ना उसमें तो सब कुछ पूरा ब्रह्मांड नजर आ जाएगा बिल्कुल। हाँ सही बोला आपने। हाँ बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे। कटोरी आ गई भाई साहब चांदी, ये चांदी कटोरी में थोड़ी सी भेल, ठीक है। और भेल में आ रही भैया ओरिजिनल शहद, ठीक है भाई, बहुत खतरनाक लग रही है मेरे को तो। ये ओरिजिनल शहद आ गई, अच्छा ओरिजिनल शहद। हाँ कहाँ की है ये? साउथ अफ्रीका से आती भाई साहब, ओरिजिनल वाली, बम्बल भी करके हनी होती है, हनी भी होती है, वो हनी भी बनाती है इसको। इसको खाने वाले को साल भर तक सर्दी जुकाम बुखार गैस एसिडिटी कुछ नहीं होता है, बाबा रामदेव जी की घटती उम्र का यही राज है।
भाई घटती उम्र के ही राज है, जो भी है सबसे तो पहले नंबर ये खाना चाहिए उसको। और उसके ऊपर आ गई इंदौरी केसर, और केसर के ऊपर आ गया ये हीमोग्लोबिन, और उस पर लगा दी हमने वैक्सीन। अरे भाई साहब चिकू भैया, तो चिकू भैया तैयार है आप, है ना? तो मुद्दा ये है कि इस भेल को जब आप खाना शुरू करेंगे तब से लेके 15 मिनट तक कम से कम आपको लगाना है इसमें। 15 मिनट के पहले ये भेल खत्म नहीं होनी चाहिए, ये भेल पूरी आपको खानी है, आपके अलावा कोई और इसमें से एक दाना भी नहीं खा सकता है। इस भेल को कंप्लीट इतनी खानी कि इसमें से कोई चींटी भी नहीं खा सके, इतना भी नहीं बचाना है, ठीक है? और कम से कम 15 मिनट चलाना है, 15 मिनट से ज़्यादा चलाएंगे तो चलेगा, 15 मिनट के पहले ख़त्म नहीं होने देना है। जब पूरी भेल फिनिश कर देंगे उसके बाद 5 मिनट का एक होल्ड देना, उस होल्ड में आपको कुछ भी नहीं खाना है, कोई दूसरी चीज़। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप भेल फिनिश कर देंगे, 5 मिनट का होल्ड कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री लस्सी दी जाएगी, और उसके अलावा एक छोटा सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सर्टिफिकेट कहलाएगा कि आप है मिर्ची महाराजा, ठीक है? ये मिर्ची महाराजा का सर्टिफिकेट अगर आपको जीतना है तो ये सारी कंडीशंस के साथ आपको खानी होगी। साथ में लस्सी आ चुकी है आपके लिए, और सर्टिफिकेट हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है भाई साहब? पर आपको बीच में लस्सी नहीं पीने, पानी नहीं पीना, कोई दूसरी चीज नहीं खानी है। तैयार है चिकू? और बीच में बहुत देर तक आपको रुकना नहीं है, 30 सेकंड 40 सेकंड का ब्रेक आप लेंगे, पर उसके बाद अगली चम्मच आपको खानी है, ठीक है? भेल बहुत थोड़ी है, धीरे धीरे खाते रहना। जब आप पहली चम्मच लेंगे तब हमें टाइम बता दीजिएगा, हम टाइम नोट कर लेंगे और आपकी कब गेम को शुरू कर देंगे, ठीक है? तो चीकू भाई शुरू कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है, ठीक? तो भाई देखते हैं चीकू का रिएक्शन क्या रहता है, पूरे सब दिखने वाला है, पूरा वर्ल्ड इंडिया तो पूरा दिखने वाला है, हर चीज मिली है इस भेल में। तो भाई रेडी? डर लग रहा है? अरे डर, अरे सर्टिफिकेट लेके जाना है तो पक्का, मेन चीज आया है सर्टिफिकेट लेके जाना है। हाँ सर्टिफिकेट लेके जाना है, तो भाई चलते हैं जल्दी चीकू को देखते हैं खाने का। कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा है। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? अबे गला पकड़ रहा बहुत जोर से, तो आंसू निकल रहे हैं। और अभी फिलहाल हम लोगों को दीदी के भी आंसू देखने को मिले हैं। क्या हो रहा है, लग रहा है दीदी आपको? बहुत ही ज्यादा तीखा है ये, मतलब ओ भाई साहब। अबे बंद कर बे, क्या हो गया, रोना आ गया? अरे भाई मेरे सारे देवी देवता यहीं पे कितने होते हैं, कितने देवी देवता होते हैं? हम 37-34 करोड़ होते हैं, वो सारे यहीं पे हैं भैया। पर सर्टिफिकेट मिल रहा है, और ये सर्टिफिकेट की तैयारी कैसा लग रहा है? मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं घर से ठान के आई थी कि मैं ये सर्टिफिकेट लेके जाऊंगी भाई। हम मेरी तो हालत खराब हो रही है, लेके जा रही हूं भाई सर्टिफिकेट। भाई मैं तो बोल नहीं सकता, बहुत साइन किया। क्यों, एक सर्टिफिकेट आ गया मेरा जरूरी है क्या? अरे नहीं भाई तेरा भी जरूरी नहीं, ठीक है कोई जरूरी वो नहीं। मेरा आया है, दोनों की शर्त लगी थी कि दोनों का सर्टिफिकेट साथ में लेंगे और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे। भाई अब मेरी बारी है, मैं देखता हूँ क्या होने वाला है। वैसे तो थोड़ा लग रहा है, और 50 वोल्ट भाई ये आ चुकी है पूरी भेल, है ना? लस्सी आपको बाद में देंगे जब आप चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे। ओ तेरे की, हाँ भाई तेरा भरोसा नहीं है, तू लस्सी पी लेता बीच में। चलो भाई कोई नहीं, चैलेंज करते हम लोग एक्सेप्टेड, और देखते हैं क्या होने वाला है। हाँ तो भाई भाई अब स्टार्ट होने वाला है, क्या होता है एक चम्मच खा लूँ उसके बाद टाइमिंग लगेगा। टाइमिंग स्टार्ट कीजिए जेतु भैया। पहली चम्मच में लगने लगी यार, नहीं पहली चम्मच में कुछ भी नहीं लगेगा भाई साहब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई साहब मजे आ गए लेकिन क्या मजे आए यार, जो त्रिवेदी सर्टिफिकेट था मेन तो यार एक आ गया ना सर्टिफिकेट, तो चीकू सलंगी का सर्टिफिकेट आया है ना। चलो चीकू मैं तो नहीं ला पाया लेकिन तू लाए क्या, कैसा लग रहा है तेरे को पकड़ के? इसके पहले तो हालत खराब थी जब खाते थे, पर अब प्राउड फील हो रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने कभी ट्राई किया है?
बहुत बार ट्राई किया है पर बहुत कम मात्रा में ट्राई किया, इतना सारा नहीं किया है क्योंकि बनाना है चाहिए। नहीं मैं तो सर खिलाने के लिए बना रहा हूँ। हाँ, और वो इसलिए खिला रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि और चरका और चरका और चरका और तीखा और तीखा और तीखा, हाँ तो ये उन लोगों के लिए कि आप वो कोई नहीं कहता कि भैया थोड़ा और तीखा थोड़ा और तीखा, ठीक है। बाकी हम आज चीकू भैया को कहेंगे कि चीकू भैया हमारे आज के मिर्ची महाराजा है और वाकई हकदार है, बहुत हालत खराब हुई है आप वीडियो में देखिए, और उसके बाद ये सर्टिफिकेट उन्होंने जीता है और बड़ा मजा आ रहा है भैया इनके साथ, आप देखते रहिए मजा आएगा। दौर के महाराजा हम तीखा खाने बिल्कुल। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो भाई चीकू चैलेंज जीत गया है आप, जैसे देखा आपने, और हालत दोनों की खराब हुई थी, मेरी भी और मैंने भी बांधा, लेकिन लग रहा था कि अब क्विट कर देते हैं, तो वही कर दिया क्विट, और इसके पास सर्टिफिकेट आ सका। कैसा लग रहा है तेरे को? अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिस टाइम पे खाया था उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा हालत खराब थी, पर अभी तो अच्छा लग रहा है, सर्टिफिकेट लेके आ रहा हूँ। और अगर गाइस आप आते हो इंदौर या इंदौर घूमने आते हो या रहते हो तो एक बार मिस्टर वेल भंडारी जी का 440 वोल्ट जरूर ट्राई करना, क्योंकि भाई मज़े भी आते हो और एक अलग लगता है। अगर आप जीत सकते हो तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट घर लेके जाना है। तो भाई इसी के साथ करते हैं हम आज का ब्लॉग एंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करना तो भूलना ही नहीं, और भाई लाइक ज़रूर कर देना। तो भाई इसी के साथ करते हैं हम आज का ब्लॉग एंड, बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। तो भाई चलते हैं।